हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस स्थलाकृति के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित कुल चार वीडियो बनाए गए हैं, दो इससे पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी आप अवश्य देखें, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में बताने का प्रयास किया गया है, इसीलिए कुल जो है वो चार वीडियो बनाए गए हैं। आप सभी वीडियो को देखेंगे तो ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। इसमें हम देखेंगे अपर धनात्मक स्थल रूपों के बारे में कि क्रास्ट जो क्षेत्र है उसमें इरोजनल लैंडफॉर्म जो है उनका किस किस का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले है लेपीज, दूसरा है घोल रंध्र तथा उससे संबंधित रूप। इसके अंतर्गत है घोल रंध्र, विलियम छिद्र, डोलाइन, क्रास्ट झील, कॉकपिट और इसी में है क्रास्ट खिड़की या क्रास्ट विंडो सब। और इसमें है फिर नेक्स्ट युवाला पोलिए, इसको पोलजे भी कहते हैं, क्रास्ट प्रदेश की घाटियां जिसमें है दस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, क्रास्ट घाटी या घोल घाटी, क्रास्ट या गुफा, प्राकृतिक पुल। और यहां इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रास्ट क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती है और उनसे उनका जो व्यू है, इमेज है, वो अलग अलग प्रकार की दिखलाई देती है। और ये जो इमेज है या स्थलाकृतियां हैं ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इनका जो स्वरूप है, आकार है, वो समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसी प्रकार से इसमें इस स्लाइड में भी दिखलाया गया है कि किस प्रकार से चुना क्षेत्र है, क्रास्ट प्रदेश है, उसमें अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं लेपीज, घुलन क्रिया के फल स्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को लेपीज कहा जाता है, इनकी जो घुलन क्रिया है, सॉल्यूशन की क्रिया है, उसकी वजह से जो ऊपरी सतह पे जो चूना है या जो दूसरे खनिज पदार्थ है उनको जल अपने में घोल लेता है, उससे ऊपरी जो सतह है वो बहुत उबड़ खाबड़ बन जाती है और इस तरह की स्थलाकृति को लेपीज के नाम से जाना जाता है। लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टान की संधियां की जोड़ को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत यानी चौड़ा करने लगता है, जिस कारण छोटी छोटी सिकरिकाओं, रिजेज एंड पिनेकल्स का निर्माण हो जाता है। इनकी दीवारें खड़ी होती हैं, इस तरह के खड़े किंतु पतले तथा नुकीले कटक स्तंभ के रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे के संकरे विदर यानी क्लेफ्ट दरार द्वारा अलग किए जाते हैं। इस तरह की आकृति को ही लेपीज के नाम से जाना जाता है। विभिन्न क्रास्ट क्षेत्रों में लेपीज का को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में से क्लिंट, जर्मनी में कैरेन, सर्बिया में बोगाज तथा डालमेसिन क्षेत्र में इसको लेपीज के नाम से जाना जाता है। यहां पर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो लेपीज जो है वो एग्जैक्टली किस प्रकार से एक नुकीली स्थलाकृति के रूप में हमें दिखलाई देता है। नेक्स्ट है घोल रंध्र तथा उससे संबंधित रूप। चूने की चट्टान वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर वह सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टान संधियों में जल प्रविष्ट होकर उसके घुलनशील तत्वों को बुलाकर निकाल लेता है। इस घुलन क्रिया के कारण ही जो संधियां हैं या जोड़ है उनका विस्तार इनकी चौड़ी हो जाते हैं और उनमें असंख्य छिद्रों का विकास जो है वो हो जाता है। छोटे छोटे छिद्रों को घोल रंध्र, सिंक होल जो है वो कहा जाता है। आकार की दृष्टि से घोल रंध्रों को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है कीपाकार घोल रंध्र फनल सेप और दूसरा है बेलनाकार घोल रंध्र सिलेंड्रिकल। घोल द्वारा जब छिद्रों का विस्तार होता है तो घोल रंध्र आकार में अधिक बड़े हो जाते हैं, इनकी छिद्र धीरे धीरे इनमें घोलने की क्रिया होती जाती है तो इनका जो आकार है ये बड़ा हो जाता है। इस तरह के विस्तृत घोल रंध्र आकार में अधिक बड़े हो जाते हैं। इस तरह विलियन घोल रंध्र को विलियन छिद्र स्वेलो होल्स कहते हैं, इनकी जैसे ही इनका आकार बड़ा हो जाता है तो इनको विलियन छिद्र या स्वेलो होल्स के नाम से जानते हैं। विलियन रंध्र को घोल द्वारा निर्मित छिद्र कहते हैं। जब इनके छिद्रों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उन्हें डोलाइन कहते हैं, इनके जैसे ही
इन छिद्रों का और अधिक विस्तार हो जाता है तो उनको डोलाइन के नाम से जाना जाता है। पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के क्रास क्षेत्र में विस्तृत छिद्रों को डोलाइन तथा सर्बिया में डोलिनास के नाम से इनको जाना जाता है। कभी कभी मृतिका द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है जिसे जल रिस कर नहीं जा पाता है। इस कारण डोलाइन में जल जो है रिस कर नीचे नहीं जा पाता है, इस कारण डोलाइन में जल का संचय जो है इकट्ठा हो जाता है और उससे छोटी छोटी झीलों का निर्माण जो है वहां पर हो जाता है। क्योंकि पानी नीचे रिस के नहीं जा रहा है इसलिए वहां पर वर्षा का जो पानी है या जो रिस के जो पानी आ रहा है भूमिगत जल का वो वहां इकट्ठा हो जाता है और एक झील का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को क्रास झील जो है कहा जाता है। धरातलीय सतह के ध्वस्त होने से निर्मित चट्टानी दीवारें वाले खड़े डालसी गर्त को कॉकपिट कहते हैं। इनकी जो धरातलीय सतह जैसे ही ध्वस्त हो जाती है गिर जाती है तो खड़े डालसी जो गर्त है खड्डा है उसको कॉकपिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रास्ट खिड़की या क्रास्ट विंडो। जब डोलाइन या विलियन रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त यानी कि गिर जाने से एक बहुत बड़ा छिद्र का निर्माण होता है तथा उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे क्रास्ट खिड़की जो है वो कहते हैं। इनकी जैसे डोलाइन या विलियन की ऊपरी सतह गिर जाती है नीचे की ओर तो ऊपरी भाग एकदम से खुला हो जाता है तो उस खुले भाग को क्रास्ट खिड़की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है युवाला। युवाला के लिए हिंदी में प्राय सैकुंड शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। युवाला का निर्माण कई परतों में होता है। निरंतर घोलीकरण के फल स्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक वृत्ताकार गर्त का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो डोलाइन है यही आगे चलकर बहुत बड़ा एक खड्डे के रूप में अपना आकार ले लेता है। इस विशद गर्त को ही युवाला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण ऊपरी छत ध्वस्त हो जाने से भी होता है। असंख्य घोल रंध्र भी विस्तार के कारण परस्पर मिलकर युवाला का जो निर्माण है वो करते हैं। इन्हें संयुक्त या मिश्रित घोल रंध्र कंपाउंड सिंक होल भी कहा जाता है। युवाला की व्यास 1 किलोमीटर भी मिलती है। युवाला इतने विस्तृत होते हैं कि इनमें धरातलीय नदियां लुप्त हो जाती हैं, जिससे उनकी धरातलीय घाटियां जो है वो सूख जाती है। छोटे छोटे युवाला को जामा की संज्ञा दी जाती है। छोटे छोटे युवाला है उनको जामा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजकुंड या पोलजे। इनको पोलिये के नाम से भी जाना जाता है। पोलजे पोलिये को हिंदी में राजकुंड के नाम से जाना जाता है। युवाला से ये अधिक विस्तृत गर्त है होते हैं जिन्हें पोलजे या पोलिये कहा जाता है। युवाला का क्षेत्रफल कुछ एकड़ तक ही होता है परंतु पोलिये या पोलजे का क्षेत्रफल जो है कई वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। यूरोप के पश्चिम बाल्कन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत पोलजे लिवनो पोलजे है जिसकी लंबाई 40 मील तथा चौड़ाई 3 से 7 मील तक होती है। यहां पर इस डायग्राम में जो है वो दिखलाया गया है कि किस प्रकार से पोलजे है या डोलाइन है इनकी जो यह युवाला है इनकी आकृति छोटी बड़ी दिखलाई देती है। केवल आकार में छोटे बड़े होने से इनका जो नाम परिवर्तन होता है, निर्माण की जो प्रक्रिया है इनकी लगभग सबकी एक जैसी ही होती है। नेक्स्ट है क्रास्ट प्रदेश की घाटियां। सबसे पहले है धंसती निवेशिका या सिंकिंग क्रीक। क्रास्ट मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक छिद्र होते हैं कि समूची सतह एक छलनी के समान दिखलाई देती है जिसे घोल छिद्र कीप का कार्य करते हैं। जब छिद्रों या विद्रों से होकर नदी का जल नीचे चला जाता है तो उसे धंसती निवेशिका कहा जाता है। जिस बिंदु पर जल नीचे की ओर प्रविष्ट होता है उसे सिंक के नाम से जाना जाता है। नदी का जल प्राय विलियन छिद्र से ही अदृश्य होता है तथा यह सिंक बिंदु दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। जिस स्थान पर सिंक नदी का प्रवाह है जल सतह के से नीचे चला जाता है उससे उसके आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क रहती है जिसे शुष्क नदी तल ड्राई रिवर बेड कहते हैं। विलियन छिद्र पर समाप्त होने वाली यह नदी आगे किस दिशा में बहती है दिखलाई नहीं देती है, इसी कारण से इससे
अन्न घाटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर ये इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये वैली है, यहां पर ये आगे नदी जो है लुप्त हो गई और यहां वापस नीचे को निकलने लगी, तो इसको ब्लाइंड वैली के नाम से इस तरह की शेप को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रास्ट घाटी या घोल घाटी। अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियां यानी सरफेस स्ट्रीम कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है तथा अपनी चौड़ी घाटी यू आकार की घाटी का जो है ये निर्माण कर लेती है। इन घाटियों को घोल घाटी या सोल्यूशन वैली या क्रास्ट घाटी के नाम से ही जाना जाता है। यहां पर क्रास्ट जो घाटी है उसका व्यू हम लोग देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन वैली है या क्रास्ट घाटी है वो किस तरह की यहाँ पर दिखाई देती है, इस स्लाइड में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रास्ट या गुफा, केव्स और केवन्स। भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं क्रास्ट प्रदेशों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती हैं। कंदराएं ऊपरी सतह के एक रिक्त स्थान के रूप में होती है जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होती है। जो कंदराएं या गुफा जो है ये एक तरह का जमीन के नीचे खाली स्थान जो है रिक्त स्थान होता है और जिसका जो निर्माण है वो भूमिगत जल की जो घुलन क्रिया और अपघर्षण है उसके द्वारा इन गुफाओं का या इन केव्स का निर्माण जो है वो संपन्न होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्लसबाद कंदरा तथा मेमत कंदरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कंदरा है। भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिमी बिहार के रोहतास पठार, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले, चित्रकूट आदि में इस तरह की जो कंदराएं हैं बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो क्रास्ट गुफा है उसमें किस प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती हैं चूना प्रदेशों में, एक बहुत ही सुंदर व्यू इस स्लाइड में दिखलाया गया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पुल या नेचुरल ब्रिजेज। सामान्य रूप में प्राकृतिक पुलों का निर्माण दो रूपों में होता है। पहला, कंदरा की छत जो है ध्वस्त होने पर कुछ अवशिष्ट भाग एक पुल के रूप में बचा रहते हैं, यानी कि जो कंदरा है गुफा है उसकी छत अगर गिर जाती है तो उसका कुछ अवशिष्ट भाग जो है एक पुल के रूप में बचा रहता है। लाइमस्टोन क्षेत्र में जब नदी विलियन क्षेत्र या स्वालो होल से होकर लुप्त हो जाती है तो वह नीचे जाकर अपघर्षण तथा घुलन क्रिया द्वारा कंदरा या गुफा का निर्माण करती हुई पुनः सतह पर प्रकट होती है। जब इस कंदरा की छत नीचे धसक जाती है तो उसकी छत का जो शेष भाग है जो कि कंदरा के दो किनारों या पार्श्वों को जोड़ता है उसे ही प्राकृतिक पुल के नाम से जाना जाता है। यहां इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक पुल है उसकी जो शेप है या उसका जो स्थल रूप है वो धरातल में वास्तविक रूप से दिखलाई देता है। नेक्स्ट है निक्षेपात्मक स्थल रूप, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी कि चूना प्रदेशों में जमाव जो होता है, पानी अपने साथ में बहुत सारे पदार्थों को बुला के लाता है, उसका कहीं कहीं जमाव होता है, निक्षेप होता है, उनसे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। चूना पत्थरों से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पिलियोथेम कहा जाता है, यानी कि जितनी भी ये सभी प्रकार के निक्षेप से बन स्थला करती है उन सबको स्पिलियोथेम के नाम से भी जाना जाता है। पट्टीदार कालकेरियस निक्षेप को ट्रेवल ट्राइन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि डेविस ने इनको ड्रिप स्टोन का नाम जो है वो दिया है। इनमें सर्वप्रमुख संघटन कैल्साइट जो है कैल्साइट का होता है, कैल्साइट की वजह से ही ये सारी जो क्रिया है वो संपन्न होती है। कंदरा की छत से लटकते जो स्तंभाकार जो पिलर है ड्रिप स्टोन को स्टेलेक्टाइट या कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन के स्तंभ को स्टेलेगमाइट के नाम से जो है वो जाना जाता है। कंदरा की जो छत से सुई के आकार के लटकने वाले अनेक ड्रिप स्टोन को ड्रेप्स या क्रेटन, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेगमाइट के आसपास निर्मित ड्रिप स्टोन को क्रमशः हेलेक्टाइट तथा हेलेगमाइट और गोलाकार हेलिसाइट को ग्लोबुलाइट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस प्रकार से जो चूना पत्थरों के क्षेत्र में जिस पदार्थों का निक्षेप हो रहा है, कहीं वो छत से लटकते हुए दिखलाई दे रहे हैं, कहीं वो फर्श से चिपके हुए दिखलाई दे रहे हैं, कहीं छत से लटक के फर्श से एकदम एक पिलर के रूप में वो
जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उसी के आधार पर उनका जो नामकरण है वो यहाँ पर किया गया है। फर्श पर रिश्ते जल तथा हेलिक्टाइट से निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा की फर्श पर निक्षेप को जो है फ्लोस्टोन के नाम से जाना जाता है। फर्श पे अगर जम गया वो रिश्ता व जल और उससे जो आकृति बनेगी निक्षेप बनेगा उसको फ्लोस्टोन कहते हैं। कंदरा का जो मुख है पर निक्षेपित ट्रेवर्टाइन के कोमल निक्षेप को टूफा या काल्फ टूफा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि जो इन निक्षेप के या डिपोजिट से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है उनकी चर्चा थोड़ी सी विस्तार में हम यहाँ और करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टियोथर्म या स्टेलेक्टाइट। इससे तात्पर्य हमारा कि भूमिगत कंदराओं में जब या तो समस्त जल रोहित हो जाता है या भौम जल स्तर के नीचा हो जाने से जल तल नीचा हो जाता है तो कंदरा की ऊपरी छत से जल रिस कर नीचे टपकने लगता है। यह जल अपने साथ घुलन क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थों को भी समाविष्ट किए रहता है, परंतु जब अधिक ताप के कारण वाष्पीकरण के फल स्वरूप जब जल सूखने लगता है या उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो जल की घुलन शक्ति तथा पदार्थों को धारण करने की शक्ति जो है वो घट जाती है। परिणाम स्वरूप कंदरा की छत के निचले भाग में निचले स्तर पर पदार्थों का निक्षेप होने लगता है और यह जो निक्षेप है ये लंबे किंतु पतले स्तंभों के रूप में होता है जो कि कंदरा की फर्श की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी कि छत से ये फर्श की ओर लटकते हुए होते हैं। इन लटकते हुए स्तंभों को ही स्टेलेक्टाइट का नाम जो है वो दिया गया है। इन लटकते हुए खंभों को स्टेलेक्टाइट जो है वो कहा जाता है। चूंकि ये स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर लटकते रहते हैं अतः इनको आकाशीय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो लटकते हुए स्तंभ जिनको स्टेलेक्टाइट कहा गया है ये किस प्रकार से गुफा या कंदरा के अंदर इनकी जो शेप है आकृति है वो दिखलाई देती है। नेक्स्ट है निश्चुतासम या स्टेलेगमाइट। कंदरा की छत से जो रिसने वाला जल की मात्रा कुछ अधिक होती है तो वह बिल्कुल सीधे टपक कर कंदरा के फर्श पर जो है वो पहुंच जाता है और फर्श पर धीरे धीरे वो जमने लगता है। इस तरह कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ या पिलर का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे निक्षेप द्वारा इन स्तंभों की ऊंचाई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रकार के स्तंभों को स्टेलेगमाइट कहते हैं, यानी कि जो कंदरा है उसका जो फर्श है उस पे पदार्थों का निक्षेप हो गया और एक पिलर जैसी आकृति बन गई, एक स्तंभ बन गया, उसको स्टेलेगमाइट के नाम से जाना जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नीचे जमे जो ऊपर से जो लटक रही है तो है स्टेलेक्टाइट और जो नीचे की ओर जमे हुए ये फर्श पे जो जमे हुए इनको बोला जाता है स्टेलेगमाइट। यहां इसमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट दोनों को दिखलाया गया है। जो ऊपर से छत से लटक रहे नीचे की ओर उनको स्टेलेक्टाइट और जो नीचे फर्श पे जम गए हैं और उनकी शेप जो ऊपर छत की ओर है उनको बोला जाता है स्टेलेगमाइट। इन दोनों की आकृति इस स्लाइड में जो है वो दिखलाई गई है। नेक्स्ट है कंदरा स्तंभ या केव पिलर्स। स्टेलेगमाइट की अपेक्षा स्टेलेक्टाइट अधिक लंबे होते हैं। निरंतर लंबाई में वृद्धि के कारण स्टेलेक्टाइट बढ़कर कंदरा के फर्श पर जो है पहुंच जाती है। जैसे ही स्टेलेक्टाइट धीरे धीरे लंबे हो जाते हैं और इनकी लंबाई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये जो उसकी जो फर्श है उस पे जाके ये मिल जाते हैं। इस तरह एक ऐसे स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि कंदरा की छत को इसकी फर्श से मिलाता है। इस स्तंभ को कंदरा स्तंभ कहते हैं। कि ऐसा कोई स्टेलेगमाइट जो छत से लटकते हुए सीधा नीचे आते आते फर्श से आगे मिल जाता है तो उससे ऐसे स्तंभ को कंदरा स्तंभ के नाम से या केव पिलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मेक्सिको प्रांत की जो कार्लसवाद कंदरा में हजारों की संख्या में कंदरा स्तंभ मिलते हैं उसका एक व्यू है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ इसमें ये छत से शुरुआत होती है स्तंभ की और ये फर्श में आके एकदम से ये मिल गया है। इसी प्रकार इस स्लाइड में भी हम देख सकते हैं कंदरा स्तंभ को किस प्रकार से ये छत से स्टार्ट होते हैं और फर्श पे आके ये मिल जाते हैं और एक पिलर के रूप में ये दिखलाई देते हैं। नेक्स्ट है कास्ट प्रदेश की विशिष्ट स्थलाकृतियां।
चूना पत्थर सेल वाले कुछ क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट आकृतियां स्थलाकृतियां विकसित हुई हैं, जिनमें प्रमुख है कॉकपिट क्रास्ट, कोन क्रास्ट, पॉलीगोनल क्रास्ट तथा टावर क्रास्ट। उष्णाद्र प्रदेशों में कार्बोनेट सेलों का द्रुत गति से यानी कि तेज गति से गोलन होता है। यदि डोलाइन पास पास होते हैं तो उनमें गुलन क्रिया के कारण तेजी से आकार में वृद्धि होती जाती है, अर्थात उसके आकार में विस्तार हो जाता है, आकार उसका बड़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप डोलाइन जो शंक्वाकार एक गर्त के रूप में होता है, तारा की आकृति वाली जो गर्त में धीरे धीरे ये बदल जाता है, यानी कि तारा शेप स्टार शेप में धीरे धीरे ये जो बदल जाता है, इस तारा शेप आकृति को ही कॉकपिट जो है कहा जाता है। इस तरह कॉकपिट वाले क्रास्ट प्रदेश को कॉकपिट क्रास्ट कहते हैं। और इस तरह की आकृति का विकास जमैका, वियतनाम, चीन, जावा, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। कभी कभी कई डोलाइन विस्तृत होने के कारण एक साथ मिल जाते हैं, जिस कारण उनकी पहले की गोल आकृति जो वो एकदम से बिगड़ जाती है तथा उसकी परिमिति में कई भुजाएं बन जाती है, जिस कारण उसका आकार बहुभुज जैसा होता है। इस तरह बहुभुजाकार गर्त को पॉलीगोनल क्रास्ट जो है के नाम से जाना जाता है। इस तरह की आकृतियों का विकास न्यूजीलैंड, दक्षिण चीन, न्यू गायना आदि में बहुत तेजी से हुआ है। जब पास पास कई कॉकपिट आपस में मिल जाते हैं तो उनके मध्य स्थित कटक यानी कि रिजेज का जो आकार शंकु जैसा हो जाता है। इस तरह की आकृति को कोन क्रास्ट के नाम से जानते हैं। जब इनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है तो उन्हें टावर क्रास्ट के नाम से जाना जाता है। और टावर क्रास्ट जो है ये क्यूबा, प्यूर्टो रिको, दक्षिणी चीन, दक्षिणी वियतनाम आदि देशों में बहुत अधिक देखने को ये मिलते हैं। और यहाँ पर ये कॉकपिट क्रास्ट है, इसका एक व्यू हम देख सकते हैं इस स्लाइड में, जो कॉकपिट क्रास्ट है वो किस प्रकार का धरातल के ऊपर जो है ये दिखलाई देता है। इसी प्रकार ये स्लाइड में भी कॉकपिट क्रास्ट है, उसका एक एक्चुअल पिक्चर जो है इसमें यहाँ पर दिखलाई गई है कि किस प्रकार से वो धरातल के ऊपर जो है दिखलाई देती है। और इस स्लाइड में जो टावर क्रास्ट और कोन क्रास्ट है उनकी आकृति को दिखलाया गया है कि किस प्रकार से टावर क्रास्ट और कोन क्रास्ट है ये दिखलाई देते हैं। इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इन बुक्स में से किसी भी बुक्स की स्टडी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई पीडीएफ फाइल, पीडीएफ नोट्स जो है वो डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर ये माई बुकलो ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप से आप इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे जो पीडीएफ फाइल है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।